Good evening, audience. Sir, our today's topic is regarding all these things. लेकिन related to gym, related to exercise, सही है ना? और मैं आपको इन सब का experience share करना चाहता हूँ. कभी लोग पूछ भी लेते हैं कैसे. सबसे पहले जो मैं use करता हूँ आजकल, this is AirPods Pro Max, सही है ना? अगर आप वाकई में कोई music के यानी कोई big fan है, यानी जब आप ये पहन लेंगे ना, ये AirPods Pro Max, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप है ना जिम में नहीं, आप किसी क्लब में, यानी इस किस्म का म्यूज़िक ऑन हुआ हुआ होता है इसमें, यानी एक अलग ही माहौल होता है. और फिर ज़ाहिर है म्यूज़िक का जो कनेक्शन एक्सरसाइज के साथ, वो फिर यानी एक नेक्स्ट लेवल होता है. लेकिन अब आप बोलेंगे कि इसका कोई डिसएडवांटेज, कोई नेगेटिव पॉइंट भी बताएं. एक नेगेटिव पॉइंट तो यही है कि ये एक्सपेंसिव है. आई थिंक $400 के या $500 के विद टैक्स समथिंग, सही है ना? पूरी एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं है. दूसरा जो इसका बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जब आप इसके साथ एक्सरसाइज करते हैं ना, एक तो है ज़ाहिर है ऑब्वियसली इट्स बिग थिंग, तो कुछ एक्सरसाइज में मुश्किल भी हो जाती है. लेकिन जो बड़ा मुझे मुश्किल लगती है, जो बड़ा प्रॉब्लम है, वो है स्वेट. कि ये जो इसके है ना, ये एयरपोर्ट, ये जो कुशन है इसके, खैर ये निकल जाते हैं, फिर उसके बाद आप इसको वॉश कर लें सारी चीज़ें, तो इसमें से एक बड़ी यानी इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, वरना इसमें एक अजीब किस्म की स्मेल भी चल रही होती है. और ये जो है ना, इसकी जो स्वेटनिंग वाला मसला है ना, ये टू मच है ये इसका. लेकिन बाकी अगर यानी आपको पता नहीं चलेगा कि आप, मैंने कहा ना, जिम में, क्लब में आप साथ डांस भी कर रहे होंगे और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं. अच्छा, दूसरे जो हैं वो हैं डॉक्टर बीट्स, डॉक्टर ड्रे. ये कंपनी भी जाहिर है उसने बाय कर लिया, अब एप्पल नहीं, ठीक है, और बहुत टाइम हो गया. ये मुझे लगता है कि एक मीडियोकर लेवल पे म्यूज़िक भी अच्छा, और आपने अगर अच्छा उसमें कॉल पे बात बात करना, वो बड़ा मुश्किल होता है, कभी हो भी जाती है, कभी नहीं भी होती. आई एम टॉकिंग अबाउट प्रो मैक्स. लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट दिस डॉक्टर बीट्स, डॉक्टर ड्रे, ये कन्वीनियंट भी हैं कान में लगने के लिए, देख लेना, हाँ सिंपल हैं और सारे फंक्शन वही हैं. म्यूज़िक अच्छा है, डॉक्टर ड्रे का म्यूज़िक, बीट्स का म्यूज़िक ज़बरदस्त है. लेकिन उसके साथ साथ इसमें आप अगर कोई कॉल पे, वैसे तो कॉल पे बात करनी चाहिए, मैंने भी कहा ना कि इट्स रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू जिम. अगर उसके अलावा भी अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप कॉल पे बात करना है, वो सारी चीज़ें. ये अच्छा है प्राइस में, उस कंपेयर टू दैट इट्स कंफर्टेबल. कितना मेरा ख्याल, आई थिंक $200 या $250 का ही कुछ होता है. तो सेल वेल आई भी होती है तो $200 में हो जाता है काम. तो मेरी जो सेकंड प्रायोरिटी वो यही होती है, ये डॉक्टर ड्रे, डॉक्टर बीट्स, सही है ना? इसका ये अच्छा है, यानी म्यूज़िक सिस्टम वगैरह इसका ये भी अच्छा चलता है. लेकिन यू कैन नॉट कंपेयर दिस विद दैट, ओके. अच्छा, फिर आपके पास आते हैं एप्पल एयरपॉड्स प्रो. ये प्रो, ये मैंने कोई एक दो साल यूज़ किए. ज़ाहिर है म्यूज़िक सिस्टम, इंटेलिजेंट सिस्टम, नॉइस कैंसलिंग, ये सारी चीज़ें, खैर ये तो उन सब में भी हैं, लेकिन मैं कभी भी इसको पसंद नहीं किया, पता नहीं क्यों. मुझे तो ऐसा लगता, क्योंकि मैं म्यूज़िक ज़्यादा सुनता हूँ और फिर मैं थोड़ा लाउड सुनता हूँ, तो मुझे ये था कि मेरे कानों पर इसका इफ़ेक्ट आ रहा था. यानी मैंने इसको एक दो साल इस तरह यूज़ किया तो मेरे कानों पे इसका इफेक्ट आया था, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता. अच्छा, आप बोलेंगे इसकी प्राइस क्या है. अच्छा, इसमें म्यूज़िक अच्छा होता है और सारी चीज़ें, ज़ाहिर है इसका म्यूज़िक अच्छा ही था तभी बहुत ज़्यादा सुना, और कॉल पे कन्वीनियंट सारी चीज़ें, आप देख भी रहे, उसका साइज़ वगैरह भी ईजी है कम्पेयर टू दैट प्रो मैक्स. लेकिन और इसकी प्राइस भी मेरा ख्याल आई थिंक अराउंड $200 या $250 है. जो सबसे ज़्यादा मैंने यूज़ किया वो है ये एयरपॉड्स, सही है ना? लोग ये कहते थे कि कान में लगता कैसे उस टाइम पे और किस तरह एक्सरसाइज, लेकिन मेरे ख्याल मैंने इसमें सबसे ज़्यादा इसमें एक्सरसाइज की है. और एक टाइम व्हेन आई डिडंट हैव ऑल दीस थिंग्स, आ रहे वो सारी चीज़ें लॉन्च भी नहीं हुई थी, तो मैंने सबसे ज़्यादा इसी में एक्सरसाइज की. और इस, ये मुझे ऐसा लगता था कि यानी कानों के लिए, कॉल के लिए, यानी वेरी कम्फर्टेबल, टच पे सारा काम हो जाता था. लोगों को पता नहीं मुश्किल लगता था, लेकिन मुझे अच्छा लगता था. मेरा ख्याल है ये तो यू कैन हैव इट इन $100 नाउ, $100-$125 में आप तो मिल जाते हैं, सही है ना, एयरपॉड्स. तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं तो रेगुलर जिम जा रहा होता हूं डेली बेसिस पे, और ज़ाहिर है म्यूज़िक साथ चल रहा होता है, तो इन सब में यानी मैंने आपको इनके प्रोज एंड कॉन्स बता दिए कि अगर वाकई में आप सुनने वाले हैं और यानी कोई ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो स्टैंड अलोन, क्योंकि मैं वीक में इन दोनों को यूज़ कर रहा होता हूं, सही है ना? कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जिसमें मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा स्वेट होगा और बहुत टफ मामला है, तो मैं बोलता हूं यार लेट्स गो विद दिस थिंग. और अदरवाइज को ऐसी है जो खड़े होकर करनी है सारी एक्सरसाइजेज, शोल्डर वगैरह हैं, ट्राइसेप्स हैं, ये वो, तो उसके लिए ये तो फिर माई फर्स्ट प्रायोरिटी. चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड यू हैव अ ग्रेट डे नाउ. थैंक यू.